नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो एक स्पेशल टेस्ट है। स्पेशल टेस्ट मतलब कि वो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो हम जोड़ों के दर्द मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कराते हैं। तो उस टेस्ट का नाम है NTCCP। ये जो NTCCP टेस्ट है एक स्पेशल टेस्ट है। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इसकी रेफरेंस वैल्यूज़ कितनी है, इसका रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे और ये क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं NTCCP टेस्ट के बारे में, इसकी फुल फॉर्म जानकर। तो NTCCP टेस्ट की फुल फॉर्म होती है एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसको NTCCP बोलते हैं। NTCCP जो टेस्ट है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, हम इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। वैसे तो आर्थराइटिस के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं लाइक RA फैक्टर, ANA, पर NTCCP एक डिपेंडेबल टेस्ट है जिससे हमारे को कन्फर्म कर सकते हैं 90% कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो मतलब हमारे को दिक्कत है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो NTCCP टेस्ट किसके लिए होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए होता है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो अब हमारे को समझना पड़ेगा कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और एंटीबॉडीज का काम होता है कि बाहर से जो वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको पकड़ के उनको मारना, ख़त्म करना और हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। कई बार क्या होता है कि जो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे शरीर के जो हेल्दी सेल्स हैं, जो स्वस्थ सेल हैं, उनके खिलाफ ही हमला कर देती हैं, उन्हीं को नुकसान करना शुरू कर देती हैं। तो जो ऐसी एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं? ऑटो एंटीबॉडीज। और जब हमारे शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो अपने शरीर में खुद ही नुकसान कर रही हैं तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, कि हम जो है ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। वैसे तो बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है, बट उसमें जो सबसे कॉमन जो हम देखते हैं वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? CCP, अभी मैंने आपको बताया था ना, साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, ये हमारे शरीर में जनरेट हो जाता है। और जो NTCCP टेस्ट है ये वही जानने के लिए है कि हमारे शरीर में NTCCP है कितना। ये जो NTCCP टेस्ट है ये खून के द्वारा किया जाता है, इसमें खून निकाला जाता है, खून निकाल के उसकी टेस्टिंग की जाती है। इसके लिए कोई फास्टिंग प्रिपरेशंस की ज़रूरत नहीं है, आप खाली पेट भी इसकी जांच करा सकते हैं और खाना खाने के बाद भी, मतलब कि कोई एक स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि ये जो टेस्ट हम करते हैं उसके बाद इसकी वैल्यूज़ को हमारे को इंटरप्रिटेट करना होता है। अगर NTCCP की वैल्यूज़ 20 से कम है तो इसका मतलब कि हमारे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, तो हमारे को फिर कोई और कॉज देखना पड़ेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे को नहीं है, अगर जो है वैल्यूज 20 से ज़्यादा हो गई हैं तो हम सस्पेक्टेड हो गए हैं कि हमारे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी वैल्यूज बढ़ रही हैं, मतलब कि 20, 25, 30, 40, 50, 60, तो जितनी हमारी वैल्यूज बढ़ती जाएगी इसका मतलब हमारे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सिवियरिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि NTCCP हमारी बॉडी में जनरेटेड है, है ना, हमारी बॉडी में NTCCP है, जो हमारी जो CCP जनरेटेड है और वो NTCCP टेस्ट से पता चल गया। मतलब कि जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज है उसका मतलब उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमारे शरीर में हो रही है ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। तो हमारे को देखना है अगर जितनी ज़्यादा सिवियरिटी है उतनी ज़्यादा वैल्यूज आएंगी, हमारे को डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपनी बीमारी का इलाज कराना है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में का जो टेस्ट है, कब कराना चाहिए हमारे को NTCCP का टेस्ट, ये देखने के लिए कि हमारे को जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो तो नहीं गई है।
तो इसके लिए हमारे को जब जोड़ों में दर्द होने लग जाए, हमारे जो जोड़ हैं उनमें दर्द होने लग जाए, स्वेलिंग होने लग जाए, सूजन आ जाए बहुत ज़्यादा, लाल लाल हो जाए, उंगलियां हमारी ऐसे मुड़े ना बिल्कुल भी, घुटनों में दर्द होने लग जाए, जॉइंट्स में, सारे जॉइंट्स में पेन हो, सुबह उठते टाइम हमारा पेन बढ़ जाए, काम करने में दिक्कत हो, दर्द होने लग जाए, स्वेलिंग हो जाए हमारे को, तो ये सारे सिम्टम्स हमारे को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे को अपनी जो है जांच रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए करवा लेनी चाहिए। और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव है तो इमीडिएटली हमारे को डॉक्टर को कंसल्ट करना है और इसकी बिल्कुल रेगुलर इलाज कराना है, क्योंकि इट इज़ टफ टू ट्रीट बिकॉज इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। और ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में तो हमने अभी समझ ही लिया है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारे को उसको पूरा इलाज कराना है। आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, शीतल छाया डायग्नोस्टिक NTCCP का टेस्ट करती है, पूरी दिल्ली में हमारी कवरेज है, होम कलेक्शन करते हैं, आप चाहें तो हमारे को कॉल कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9868704466, आप इस नंबर पर कॉल करके अपना NTCCP टेस्ट बुक करा सकते हैं और हम आपके घर पे आके सैंपल लेके और आपको रिपोर्ट मेल पे देंगे। अगर NTCCP के बारे में आपको कोई भी क्वारी हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप हमारे को इनबॉक्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वारीज है उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको जवाब दें उसका। आपने अपना कीमती समय दिया पेशेंटली सुनने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जो जिसको आप चाहते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट है, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक यू।